Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, this is Nitin Sharma, and today we are going to start with our exercise 13.1, question number 5. So, for question number 5 is, a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm. यानी कि कोई bacteria का photograph को मैं 50,000 times enlarged करके देखता हूँ, zoom करके देखता हूँ, तब उसकी length कितनी दिखती है? 5 cm. Okay? यानी कि 50,000 times अगर zoom किया, यानी कि उसकी length से 50,000 times को zoom करके देखा, तब उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी दिखती है? 5 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें इतना है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? सो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ जो है वो कितनी होगी? क्लियर? तो पहले हम देखते हैं कि ये क्वांटिटीज जो है वो डायरेक्ट वैरी कर रही है या नहीं. सो दिस इज नंबर ऑफ टाइम्स फोटो एनलार्ज्ड and it is its length which is in centimeter. So अगर मैं photo को 50,000 time enlarge करता हूं तो मेरे को length कितनी मिलती है? 5 सेंटीमीटर मिलती है. Clear? Photo को मैं कितना enlarge करता हूं? 50,000 time, तो मेरे को length कितनी मिल रही है? 5 सेंटीमीटर. तो मुझे क्या फाइंड करना है कि उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, यानी कि फोटो को मैं सिर्फ वन टाइम ही एनलार्ज करके देखूं तो उसकी जो लेंथ मिलेगी वो मुझे फाइंड करना है, यानी कि ये क्वांटिटी जो है मुझे फाइंड करनी है. लेट से A1, इस क्वांटिटी को हमने बोल दिया A1. अब जैसे जैसे मैं जितनी फोटो एनलार्ज करूंगा, ऑब्वियस उसकी लेंथ भी क्या होगी? उतनी इंक्रीज होगी. जितना फोटो को मैं जूम करके देखूंगा उतनी उसकी लेंथ क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी. यानी जितना एनलार्ज करूंगा उतनी ज्यादा लेंथ इंक्रीज होगी, जितना कम करूंगा उतनी लेंथ जो है कम होगी. तो कैसे कैसे वेरी कर रहे हैं? डायरेक्टली किसी एक में कम करने से किसी दूसरे में भी क्या हो रहा है? कम ही हो रहा है. किसी एक में इंक्रीज करने से किसी दूसरी क्वांटिटी में भी क्या हो रहा है? इंक्रीज ही हो रहा है. सो ये दीज क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली. सो गिवन क्वांटिटी इज वेरी डायरेक्टली. कैसे वेरी कर रहे हैं? कैसे बदल रहे हैं? डायरेक्टली बदल रहे हैं. और हमें पता है कि अगर कोई क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरी करती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के रेशियो क्या होते हैं? सेम होते हैं. सो 50,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1/A1. ये क्लियर हुआ? इसका रेशियो is equal to second value का रेशियो, that is 50,000 divided by 5 is equal to 1/A1. Now यहां पे क्या कर देंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, that is 5 multiply 1 divided by 50,000 is equal to A1. Now 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5. 5 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 एंड 1 2 3 4 जीरोस, विच कैन बी रिटर्न एज A1 इज इक्वल टू 1/10,000. इट मीन्स इट इज 1/10 रेज टू द पावर 4. 10 रेज टू द पावर 4 इज 10,000, और 10 रेज टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 raised to the power minus 4. 1/10 raised to the power 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 raised to the power minus 4, and this is your centimeter. Clear? So ये हमने क्या किया? First जो था हमने देखा कि ये कैसे vary कर रहे थे, directly vary कर रहे थे, और इसके through हमने इसकी length क्या आ गई? अगर इसकी original length क्या आ गई जो हमें पूछा हुआ था, actual length क्या आ गई bacteria की? 10 raised to the power माइनस 4 सेंटीमीटर. इसके बाद इसी का हम सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है?
सो सेकेंड पार्ट में क्या है आपका, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, अगर मैं फोटो को कितना एनलार्ज करके देखता हूं 20,000 टाइम ओनली, देन व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, तो उसकी लेंथ कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो 50,000 थी तब तो हमें पता था कि लेंथ क्या है, 5 है। सो 20,000 टाइम अगर मैं एनलार्ज करके देखता हूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं से 8, क्लियर। ऑब्वियस है जितनी मैं एनलार्ज करके देखूंगा, जितनी फोटो एनलार्ज होगी उतनी लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पे कम मैं कर रहा हूं तो ऑब्वियस है कि लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगेन दीज क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली, सो दीज क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली, सो डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, देयरफॉर इसका जो रेशियो होगा 50,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाय 8, क्लियर। सेम प्रीवियस केस, सो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 मल्टीप्लाई 20,000 डिवाइड बाय 50,000 इज इक्वल टू 8, क्लियर। 40 से 40 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, सो 82 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो आपकी लेंथ क्या आ जाएगी अगर आप फोटो को कितने टाइम्स एनलार्ज करके देखोगे, देखा आपने यहां पे 50,000 टाइम अगर एनलार्ज करते हैं तो लेंथ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। तो अभी मैंने कम किया एनलार्ज तो जो लेंथ थी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 20,000 टाइम अगर एनलार्ज किया है तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका ऑमिट है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। सपोज 2 केजी ऑफ शुगर कंटेन्स 9×10⁶ क्रिस्टल्स, 2 केजी शुगर में, 2 केजी वेट शुगर में आपके कितने शुगर के क्रिस्टल है, 9×10⁶। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो बताना आपको, 5 केजी ऑफ शुगर में कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे शुगर के, एंड सेकेंड केस आपको बताना है 1.2 केजी ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। सो फर्स्ट हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्लियर। सो हमें यहां पे वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर एंड सेकेंड क्या गिवन है, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, क्लियर। सो वेट ऑफ शुगर कितना है अगर 2 केजी है तो क्रिस्टल कितने हैं आपके, 9×10⁶, क्लियर। तो अगर आपका फर्स्ट केस क्या है आपका, अगर 5 केजी शुगर है तो उसमें आपको नंबर ऑफ क्रिस्टल्स जो होंगे वो फाइंड करने हैं। क्वेश्चन समझ में आया, 2 केजी शुगर में आपको कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स से वो गिवन थे, दैट इज 9×10⁶, तो आपको बताना है 5 केजी शुगर में कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल होंगे। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं वेट बढ़ाऊंगा, शुगर का वेट बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे उसके नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी क्या होंगे, शुगर के नंबर ऑफ क्रिस्टल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सो ये क्वांटिटी किसमें है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। सो गिवन क्वांटिटीज इन डायरेक्ट वेरिएशन, और वी कैन से इट वेरी डायरेक्टली, और अगर डायरेक्ट वेरिएशन में होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर 2×9×10⁶ इज इक्वल टू 5/A1, दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। सो A1 की हम वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई 5
9 मल्टीप्लाई 10 रिस्ट द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2. 9 5 is 45 मल्टीप्लाई 10 रिस्ट द पावर 6 एंड डिवाइड बाय 2. सो 45 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, A1 इज इक्वल टू 22.5 एंड मल्टीप्लाई 10 रेस टू दी पावर 6. इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना आता है, ठीक है. 22 नहीं, वहां पे आपका 1 से 10 के बीच में रहना चाहिए. सो यहाँ पे आप डिवाइड बाय 10 कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर दो, ठीक है. मल्टीप्लाई 10 करूंगा तो हो जाएगा 10 रेस टू दी पावर 7 एंड दिस इज, यानी कि 1 जो डेसिमल प्लेस है उसे शिफ्ट करना है. That is 2.25 into 10 raised to the power 7. So, आपके 5 kg sugar में कितने crystal होंगे? 2.25 into 10 raised to the power 7. Clear? ये था आपका first case. Now, our second part is 1.2 kg of sugar. So, same case, weight of sugar and number of crystals. So weight of sugar अगर 2 kg था तो हमें number of crystals कितने given थे, 9 into 10 raised to the power 6 crystals. तो हमें बताना है 1.2 kg में कितने number of crystals होंगे, that is हमें इसकी value जो है वो find करनी है. हमने let कर ली, let A2. So, again, ये भी केस क्या है, जितने नंबर ऑफ वेट इंक्रीज होगा उतने नंबर ऑफ क्रिस्टल जो होंगे वो इंक्रीज होंगे, और अगर मैं वेट कम करता हूं तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. इट मींस दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. किसका केस है, और वी कैन से दैट द गिवन क्वांटिटीज इज इन डायरेक्ट वेरिएशन. So, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, कॉन्स्टेंट होगा, इज इक्वल टू 2/9/10 रेस्ट द पावर 6 इज इक्वल टू 1.2/A2. पॉइंट से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, 0, मींस दिस इज 12. 2 1 2 एंड 2 6 12, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. A2 इज इक्वल टू 9 6 54 मल्टीप्लाई 10 रेस टू दी पावर 6 एंड डिवाइड बाय 10. क्लियर. सो दिस इज 54, ये पावर कुछ नहीं है तो पावर 1, 10 रेस टू दी पावर 6 डिवाइड बाय 10 रेस टू दी पावर 1, बेसिस आर सेम तो एक्सपोनेंट्स का क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज 6 माइनस 1 मींस 10 रेस टू दी पावर 5. अगेन दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म हमें किसमें चाहिए होता है, 1 से 10 के बीच में चाहिए होता है. तो यहां हम डिवाइड बाय 10 कर देते हैं और यहां मल्टीप्लाई 10, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे आप तो 5.4 एंड मल्टीप्लाई 10 रेस टू दी पावर 6, दिस इज योर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स. ओके, मींस 1.2 केजी ऑफ शुगर में कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे, 5.4 into 10 raised to the power 6 crystals. Clear?